हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अनुष्का डिजिटल एकेडमी वेलकम टू इस साल का आखिरी संडे अब हम लोग आपसे अगले साल के अगले संडे मिलेंगे अरे चिंता मत कीजिए वो अगले संडे छः दिन ही दूर है बट फिर भी इस साल के आखिरी दिन में हम लोग आप लोगों के लिए पढ़ाई के लिए कुछ ना कुछ तो लेके आना ही था तो हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास लेके आए हैं सो तैयार हो जाइए अपने कॉपी और पेन के साथ उम्मीद करता हूँ दो आप लोगों के लिए गुड ईयर होगा और दो आप लोगों के लिए बेस्ट ईयर होगा चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे आज की करंट अफेयर्स की क्लास और सबसे पहला टॉपिक जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है आइसलैंड द लैंड ऑफ फायर एंड आइस ये एक एपिकोट है ये एक मुहावरा है जो आइसलैंड को दिया गया है ये एक देश है यूरोप का उसको ये एपिफेट दिया गया है ये क्यों है ये न्यूज में इसको क्यों द लैंड ऑफ फायर एंड आइस कहा गया है इट इज बिकॉज जैसा कि आपको पीछे इमेज में दिख रहा होगा आप लोगों को साइड में स्नो दिख रहा होगा और बीच में एक वॉलकैनो की धार दिख रही होगी तो यहाँ पे फायर मतलब वॉलकैनो और आइस मतलब आप लोगों के जो ग्लेशियर्स हैं वो यहाँ पर बहुत ज्यादा मौजूद हैं और इसी वजह से और इसी वजह से आइसलैंड को ये संज्ञा दी गई है राइट देखते हैं क्यों है ये न्यूज में और कैसे ये हमारे आई और आर या उससे रिलेटेड सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो हैं उनसे क्यों ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखते हैं वाई दिस इज इन द न्यूज़ द गवर्नमेंट ऑफ आइसलैंड हैज कन्फर्म दैट देर इज एन बॉल्कनिक इरप्शन नियर द कैपिटल रेक जेन्स विच पजेज नो थ्रेट टू द ह्यूमन लाइफ हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ आइसलैंड ने ये घोषणा की है कि कैपिटल रेक जेन्स जो है जो आइसलैंड की कैपिटल है उसके पास में एक ह्यूमन लाइफ को कोई थ्रेट नहीं है तो अगर हम थोड़ा सोचने का दायरा बढ़ाएं तो भाई हम लोग ये कह सकते हैं कि सर वॉल्केनिक में यह हो सकता है कि भाई जो आस के लोग रह रहे हैं उनको दिक्कत होती होगी लेकिन क्या इंडिया के लोगों को आइसलैंड में हुआ वॉल्के से दिक्कत हो सकती है क्या बिल्कुल हो सकती है उसके पीछे का कारण समझिए जब वॉल्केनिक होता है तब वो वॉल्केनिक बहुत सारी एशेज बहुत सारा स्मोक ऊपर ले जाता है और उस स्मोक की वजह से देयर इज अज ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉल्यूशन या अगर मैं बोलूं तो एयर पॉल्यूशन एनवायरमेंट में होता है जिसकी वजह से फ्लाइट्स जो होती हैं उसकी कनेक्टिविटी में दिक्कत आती है उसकी डिस्टेंस में दिक्कत आती है जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड अफेक्ट होता है ऐसा हमने पास्ट में कई वॉल्केनिक में देखा है इसलिए ये हमने ये लाइन लिखी है इट नो थ्रेट टू द ह्यूमन लाइफ राइट आगे देखते हैं आइसलैंड इज लोकेटेड वेयर ऑन द मिड एटलांटिक रिज राइट right? देखिए ये एक टेक्निकल टर्म है मिड अटलांटिक रिज पर आइसलैंड लोकेटेड है दुनिया में चार प्रकार के आप कह सकते हैं कि एरियाज़ हैं जहां पर सबसे ज्यादा होते हैं राइट वो चार तरह के जो एरियाज़ हैं उनका नाम है सरकम पैसिफिक बेल्ट मिड एटलांटिक रिज जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है दूसरा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और चौथा है इंट्रा प्लेट वॉल्के इन चार जगह पर दुनिया में सबसे ज्यादा वॉल्केनिक हैं या सबसे ज्यादा इन्हीं बेल्ट के अंदर मौजूद है उसमें से एक बेल्ट है मिड अटलांटिक रिज राइट विच इज टेक्निकली द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड बट ऑन द फ्लोर ऑफ एटलांटिक ओशन अगर हम एटलांटिक ओशन की बात करें भाई इधर अमेरिका है अमेरिका की इस तरफ पैसिफिक इस तरफ और अमेरिका और यूरोप के बीच और अफ्रीका के बीच जो ओशन है उसका नाम हमने एटलांटिकखा है तो एटलांटिक ओशन के अंदर सबसे बड़ी माउंटेन चेन है अगर हम ओशन फ्लोर से अगर देखें तो मेरे अटलांटिक रिज की यह भी एक खासियत है तो यह भी आपकी कॉपीज में होना चाहिए द इप्शन बिगे बिटवीन दिलिंगार फैल एंड दल जस्ट नॉर्थ ऑफ द फिशिंग टाउन ऑफ ग्रिंडवा कि विच इज लोकेटेड ऑन द रेक जेन्स पेनसुला जो कैपिटल है ये कैपिटल लोकेटेड है रेक जेन्स पेनसुला में ये लोकेटेड है कहाँ है यह अगर मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू बताऊं तो यहां पे अगर आप देख पाएंगे आइसलैंड के अंदर जो मिड अटलांटिक रिज जाती है वो कुछ ऐसे जाती है है देखिए ये जो मिड अटलांटिक रिज है, अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हैं मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं यह है आपकी मिड अटलांटिक रिज जो यहां से ऐसे होते हुए जा रही है जो यूरेशियन प्लेट एंड नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को डिवाइड करती है ध्यान दीजिएगा मिड अटलांटिक रिज का बहुत बड़ा लॉजिक ये भी है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को भी डिवाइड करती है ये ये भी ध्यान दीजिएगा मतलब से ये कुछ ऐसे आती है तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को पर अभी जो मिड प्लेट की बात कर रिज की बात कर रहे हैं तो यूरेशियन प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट को डिवाइड करती है राइट एंड ये है जो आइसलैंड की कैपिटल भी है तो यहीं पे वॉलिक इरप्शन हुआ है अगर आप देख पाएंगे तो डार्क रेड कलर का ट्रेंगल आपको यहां पे दिख रहा होगा जहां पे लिख रहा है इरप्टिंग मतलब अभी अभी जहां से केनो निकलना शुरू हुआ है राइट दो चीजें वॉलकेनो को जब हम पढ़ ही रहे हैं तो दो टर्म भी आप लोगों को पता होने चाहिए पहला होता है लावा और दूसरा होता है मैग्मा राइट तो दोनों में डिफरेंस क्या है ये दोनों ही चीजें क्या चीज होती है लावा और मैग्मा के अंदर डिफरेंस क्या है ये आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है मैग्मा वॉलकैनो के उस पार्ट को कहते हैं जो वॉल्केनो के अंदर है डेट इज मैग्मा राइट जो अंदर है जैसे ही वो मैग्मा बाहर आ जाता है वॉल्केनो के डेट लिक्विड दैट सेमी फ्लूड लिक्विड जो है वो जब मैग्मा बाहर आ जाता है वो फ्लूइड को कहलाते हैं लावा और अगर वो फ्लूड वॉल के अंदर है तो दैट फ्लूड विल बी कॉल्ड एज मैग्मा ये बड़ा इंपॉर्टेंट यू नो डिफरेंस है जो कई बच्चों को नहीं पता होता है या आप लोगों को पता होना चाहिए आइसलैंड के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया इट इज लोकेटेड ऑन द मिड अटलांटिक रिज एंड टेक्निकली द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द वर्ल्ड दिस रिज सेपरेट्स द यूरेशियन एंड द नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेट्स देखिए दुनिया में ये बात सही है कि हम लोग अगर अभी धरती पर रह रहे हैं या आप लोग इंडियन इंडिया में रह रहे हैं तो आप लोगों को इतने भूकंप के झटके देखने को नहीं मिलते हैं लेकिन यही जैसे ही आप <coughs> आइसलैंड आइसलैंड और आइसलैंड और इस जापान या अगर आप इंडोनेशिया और इन, और जैसे ही अगर आप जापान या अगर आप इंडोनेशिया या आप आइसलैंड और इनमें अगर आप जाएंगे तो आप लोगों को कई सारी दिक्कतें ये चीज देखने को मिलेगी यहां पे बहुत छोटे छोटे मैग्नीट्यूड के आप लोगों को क्या दिखते हैं अर्थक्वेक्स फेस करने पड़ते हैं जस्ट अ डियर स्टूडेंट्स ये फेस करने पड़ते हैं वाई बिकॉज ये सब टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर बसे हुए देश हैं जहां पे दो टेक्टोनिक प्लेट जब मिलती है जैसे अगर आप यहां देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से टकरा रही है तो जैसे ही दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है तो या तो उसके नीचे जाती है या उससे पैरल जाती है उसके ऊपर जाती है तो अर्थ को एक वॉलकैनिक इप्शन ये सारी बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं राइट मेकिंग इट हॉट बेड ऑफ सिस्मिक एक्टिविटीज और इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पे होना बहुत लाजमी है राइट right? अगर आइसलैंड की बात करें तो आइसलैंड इज होम टू थर्टी थ्री एक्टिव वॉलकैनो विच इज़ हाइएस्ट इन यूरोप ये फैक्ट आप लोगों की कॉपी में बहुत अच्छे से मैंशन होना चाहिए कि अगर दुनिया में यूरोप में सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है अगर इरप्शन होता है वो आइसलैंड में होता है बहुत छोटा सा देश है लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा अगर वॉलकैनिकप्शन होते हैं तो वो आइसलैंड में होता है थर्टी थ्री एक्टिव वॉलकैनो यहाँ पर मौजूद हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है हाइएस्ट इन यूरोप दिस यूनिक लैंडस्केप हैज गिवन आइसलैंड द एपीफेट द एपीथेट लैंड ऑफ फायर एंड आइस लैंड ऑफ फायर एंड आइस के नाम से इसको जाना जाता है क्लियर तो ये है हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात अब इसके आगे अगर अपन जब बात करते हैं बच्चों तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक और कंसेप्ट यहां पे आप लोगों को मैं बता देता हूं पहली चीज ये है कि भाई व्हाट आर द फोर हाई सिस्मिक जोन्स ऑफ द वर्ल्ड सबसे ज्यादा भूकंप से प्रभावित चार जोन्स कौन से हैं या फिर अगर मैं इसी को थोड़ा सा रीमॉडिफाई करूं तो सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन वॉल्केनिक इरप्शन किन जगहों पर होता है तो वो चार जगह कौन सी हैं इसको समझिए सबसे पहली और सबसे प्रभाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है आप लोगों का सरकम पैसिफिक बेल्ट सरकम पैसिफिक बेल्ट ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट सिस्मिक जोन वाला एरिया है यहां पर आए दिन मतलब हर घंटे आप लोगों को सिस्मिक एक्टिविटीज दिखेगी और इसी सरकम बेल्ट को एक और नाम से जाना जाता है जिसका नाम है पैसिफिक रिंग ऑफ़ फायर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के नाम से भी इसको जाना जाता है जिसी के जिसके अंदर ही जापान भी आता है और इसीलिए जापान की बिल्डिंग्स जापान का रोड ये सब अर्थक्वेक uh, प्रोन बनाया जाता है कि वहां की बिल्डिंग्स लहराती रहती है लेकिन गिरती नहीं है इतनी अच्छी बनाया गया है इसके अलावा 400 प्लस एक्टिव वॉल कैनो फोर प्लस एक्टिव वॉल कैनो भी इसके अंदर मौजूद है और इसी वजह से यह हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकंड है सेकंड <coughs> है मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट आई एम सॉरी आज थोड़ी सी तबीयत खराब है आई एम सॉरी डियर स्टूडेंट्स थोड़ा सा खांसी है तो आपको ईयरफोन्स में प्रॉब्लम <coughs> आ रही होगी बट हम भी पढ़ाने आए हैं आप भी पढ़ने आए हैं तो इसी बात पे एक लाइक बनता है कि आपके लिए हम इतना एफर्ट्स दे रहे हैं सो प्लीज लाइक आवर चैनल सो डैट हम लोग इसी मेहनत के साथ आपके लिए कंटेंट लेके आए ओके कमिंग टू द पॉइंट नेक्स्ट इज मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है ये वापस दुनिया का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट uh, सिस्मिक जोन वाला बेल्ट है ये कहां से चलता है ये चलता है एल्पाइन माउंटेन रेंज एल्पाइन पर्वत श्रृंखला टू आवर ओन हिमालिया ये हिमालय से चलता है अगर आप लोग बात करें तो हिमालय से इनका मेन चीज चलता है तो एल्पाइन माउंटेन रेंज टू हिमालयाज ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है तीसरा है आप लोगों का जो हमने आप लोगों को क्लास में उस समय लिखाया था दैट इज मिड एटलांटिक रिज मिड एटलांटिक रिज ये अब मिड एटलांटिक रिज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है <coughs> क्योंकि ये नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेप यूरोप एंड यूरोप एंड अफ्रीका इन तीनों को जो डिवाइड करता है वो मिड एटलांटिक रिज ही है तो ये तीन कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड करती है अमेरिका यूरोप यूरोप अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका इनको ये डिवाइड करती है मिड एटलांटिक रिज और चौथा नीचे आप लोगों को दिखेगा नहीं इसलिए चौथा यहां लिख रहा हूं इंट्रा प्लेट वॉलकेनो इंट्रा प्लेट वॉलकेनो ये दुनिया का सबसे छोटा सिस्मिक जोन वाला एरिया है और यहां पे केवल फाइव परसेंट एक्टिव वॉलकैनो इसके अंदर मौजूद है तो ये चार सिस्मिक जोन है आप लोगों को मैं थोड़ी सी जगह दे देता हूं आप लोग प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में ताकि आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर इसको समझने में आसानी मिल सके राइट आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा नहीं किया हो तो आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड टॉपिक अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन वीडियोज़ का लाभ मिल सके और इसीलिए हम आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि भाई आप लोग करंट अफेयर्स में जितना ज्यादा हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ही ज्यादा आप लोगों को भी फायदा मिलेगा चलिए कमिंग टू द पॉइंट सस्पेंशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाल ही में हमारे भारत की संसद में एक बड़ा ही ड्रास्टिक डिसीजन लिया गया जहां पे सौ से ज्यादा लोकसभा और राज्यसभा के एम को हाउस से निकाल दिया गया जी हां पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार इन द डेमोक्रेटिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया सौ से ज्यादा एम चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा को हों राज्यसभा के हों उनको सस्पेंड कर दिया गया फॉर द विंटर सेशंस राइट अब इसके क्या मायने हैं क्या चीज है इसको आगे चलकर देखते हैं क्या है ये न्यूज में इसको समझते हैं अराउंड वन हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु बिलोंग टू लोकसभा एंड राज्यसभा हैज़ बीन सस्पेंडेड इन द विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट 2023 ट्वेंटी थ्री इसको सस्पेंड क्यों किया गया उसके पीछे का मेन कारण है क्योंकि दे हैव दे हैव बीन प्रोटेस्टिंग इन द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट वो पार्लियामेंट में जो ब्रीच हुई थी जो गैस कैनेस्टर लेके कुछ युवक घुस आए थे उनके लिए ये डिमांड कर रहे थे कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी जो हैं वो आके अपना बयान दें और ये बताएँ कि भाई है न कैसे ये सिक्योरिटी ब्रीच हुई लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी का और राज्यसभा चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ जी का यह कहना था कि दिस इज द मैटर ऑफ पार्लियामेंट सेक्रेटरेट लोकसभा सेक्रेटरीट एंड राज्यसभा सेक्रेटरेट इसमें होम मिनिस्टर होम मिनिस्टर या होम मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं होता है तो अगर हम लोग उन्हें बुलाते हैं तो एक प्रेसिडेंट एक गलत प्रेसिडेंट सेट होगा तो इन फ्यूचर भी अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उस जमाने के पॉलिटिशियन भी आज से फ्यूचर के पॉलिटिशियन भी ऐसी ही कुछ डिमांड करेंगे जो कि सही नहीं है अब बात यह होती है कि भाई इनको सस्पेंड किया क्यों गया और अगर सस्पेंड किया गया तो इनके सस्पेंशन के पीछे का रूल्स क्या थे कहां से ये रूल्स आए तो ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट आ जाते हैं अगर आप लोग आईएस आ रहे इसके एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपने पी वाई क्यूज देखे हैं तो आपको ये चीज पता होगी कि हर चीज पार्लियामेंट की एक एक चीज किसी रूल से या कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है बिना उसके नहीं चल सकती राइट तो इनको सस्पेंड करने का पावर किसके पास है तो कॉन्स्टिट्यूशनली इट इज अ जनरल प्रिंसिपल डैट लोकसभा जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है किसी भी हाउस का प्रेसिडिंग ऑफिसर इधर ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है उनकी ये एक संवैधानिक कर्तव्य है कि उन्हें हाउस में ऑर्डर मेंटेन करना है दे हैव टू मेंटेन ऑर्डर ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि हाउस सुचारू रूप से चले विपक्ष अपनी बात कहे पक्ष अपनी बात कहे दोनों आपस में सकारात्मक कंस्ट्रक्टिव बहस करें और इस कंस्ट्रक्टिव बहस के बाद उस बिल के ऊपर वोटिंग हो और वो फिर बिल पास हो या ना हो या उसे किसी कमिटी को रिकमेंड करें ये सारी चीजें इस ऑर्डर के अंतर्गत आती है अब हुआ ये कि अगर इन ऑर्डर टू एंश्योर डेट द प्रोसिडिंग आर कंडक्टेड इन द प्रॉपर मैनर स्पीकर और चेयरमैन ऑफ द हाउस इज एम्पावर्ड टू फोर्स अ मेंबर टू विदड्रॉ फ्रॉम हाउस अगर कोई मेंबर ऐसा है जो ज्यादा है है की खी, खी भीफी भी कर रहा है जो ज्यादा क्या कर रहा है कि भाई नहीं नहीं हम तो प्रोटेस्ट ज्यादा ही करेंगे पेपरबाजी कर रहा है टेबल पे चढ़ रहा है प्लेकार्ड्स कार्ड लेके आ रहा है तो ऐसे मेंबर्स को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा और यही इस समय हुआ जब 146 मेंबर्स को लोकसभा और राज्यसभा से मिलाकर हटा दिया गया राइट अब कौन से रूल्स हैं जो एक स्पीकर को और चेयरपर्सन को इस चीज के लिए कौन से रूल्स हैं जो चेयरपर्सन और स्पीकर को इन रूल्स को करने से अलाउ uh, करते हैं कि भाई कैसे इनको किया जाए तो सबसे पहले जो रूल्स हैं लोकसभा के हमारी एक रूल बुक है कि लोकसभा का बिजनेस कैसे कंडक्ट होना चाहिए उसकी एक रूल बुक है उसमें तीन नियम हैं है या तीन कानून हैं या तीन रूल हैं ये हमें समझने बहुत जरूरी हैं और ये आपकी कॉपी में लिखा हुआ भी होनी चाहिए रूल नंबर थ्री सेवेंटी थ्री रूल नंबर थ्री सेवेंटी फोर एंड रूल नंबर थ्री फोर ए ये तीनों रूल लोकसभा के स्पीकर को डिप्यूटी स्पीकर को ये परमिशन देते हैं कि यदि किसी सदन में किसी सदस्य का व्यवहार अनुचित है अनुकूल है अव्यवस्थित है तो उसे लोकसभा से हटा दिया जाए उस सेशन के लिए ही ध्यान दीजिएगा ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है केवल उस सेशन के लिए अगर प्रीलिम्स में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं तो ऑप्शन में हेयर फेयर करके बहुत ही एक डेलिमेटिक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि के केवल उसे पूरे लोकसभा से हटा दिया जाएगा फॉर ऑल द टेन्योर पूरे लोकसभा के टेन्योर में हटा दिया जाएगा राज्यसभा के टेन्योर के लिए हटा दिया जाएगा जी नहीं ऐसा नहीं होता है केवल उस सेशन के लिए हटाया जाता है तीनों रूल्स में क्या है तीनों रूल इसको अच्छे से समझते हैं रूल 373 कहता है कि अगर किसी मेंबर का कंडक्ट डिसऑर्डरली है तो उस मेंबर को इमीडिएटली हाउस से उसी दिन के लिए हटने के लिए, के लिए कह दिया जाता है कि भैया एक्स वाई जेड आप एमपी हैं ऑनरेबल एमपी हैं योर कंडक्ट ऑफ द हाउस इज डिसऑर्डरली यू रिमूव हिम फ्रॉम द हाउस। जैसे पहले एक बार आम आदमी पार्टी के एमपी संजय जो राज्यसभा के मेंबर थे संजय सिंह थे वो टेबल पर चढ़ गए थे तो बहुत हो हल्ला हुआ था कि भाई टेबल पे कैसे चढ़ सकते हैं ये कोई स्कूल का प्रोटेस्ट नहीं है ये कोई कॉलेज का प्रोटेस्ट नहीं है दिस इज दी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी दिस इज द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आप टेबल पे कैसे चढ़ गए तो इमीडिएटली राज्यसभा स्पीकर ने उन्हें हटने के लिए कह दिया था कि भाई जो गार्ड्स थे मार्शल्स थे वहां पार्लियामेंट के गार्ड्स को मार्शल कहा जाता है तो मार्शल्स को यह कह दिया गया कि आप इमीडिएटली संजय सिंह को रिमूव कीजिए और उनको उठाकर बाहर ले गए थे क्योंकि वो जा ही नहीं रहे थे तो उनको उठाकर बाहर ले गए थे रूल रूल नंबर 374 क्या है रूल नंबर 374 कहते हैं कि यदि कोई भी मेंबर डिसरिगार्ड्स अथॉरिटी ऑफ चेयर और द रूल ऑफ द हाउस बाय परसिस्टेंटली और विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द हाउस देयर फॉर तो आप उस मेंबर को क्या कर सकते हैं उस सेशन के लिए बाहर कर सकते हैं डायरेक्ट उस तो सेशन से बाहर कर सकते हैं अगर वो किसी हाउस के स्पीकर के साथ जानबूझकर विलफुली या तो उस अथॉरिटी को अब्यूज कर रहा है या फिर जानबूझकर रूल्स को तोड़ रहा है जैसे इसमें एक सदस्य के साथ ये भी हुआ था कि वो जो हाउस का जो वेल well है अगर आप लोग पास्ट में मैंने जो आपको इमेज दिखाई थी तो वहां पे मैंने आपको ये बताया था कि भाई दिस इज भाई ये मामला क्या था दिस इज कॉल्ड एज द वेल ऑफ द हाउस ये वाला जो एरिया मैंने रेड कर रखा है ये गैलरी है दिस इज द वेल ऑफ हाउस इट इज कॉल्ड एज वेल राइट अगर हिंदी में बोले तो इसको सदन का कुआ कहा जाता है बट हम इसे कुआ नहीं बोलेंगे वेल ही बोलेंगे इतनी हिंदी भी ठीक नहीं है तो ये जितनी भी मेंबर्स हैं ये इन द नेम ऑफ प्रोटेस्ट ये सब लोग यहां पर आ गए थे वेल में आ गए थे और वेल में आने के बाद यहां पर ये प्लेकार्ड्स लेके आए थे अब संसद के रूल में ये क्लियरली स्पेसिफिकली है कि आप सदन में प्ले लेके नहीं आ सकते बिकॉज हाउस कैन नॉट परफॉर्म लाइक दिस विद द प्लेकार्ड दिस इज नॉट अ प्रोटेस्टिंग हाउस दिस इज दाउस वेयर देयर हैज टू बी अ कंस्ट्रक्टिव डिबेट एंड डिस्कशन नॉट जस्ट शोइंग प्रोटेस्ट इन वन वे और दनादर ठीक है विपक्ष का अपना गुस्सा उनका जायज़ है या पक्ष का अपना आर्ग्यूमेंट uh, जायज़ है स्पीकर की अपनी चीज जायज़ है लेकिन रूल्स जो भी जो भी इंस्टीट्यूशन है वो एक अपने रूल्स के माध्यम से चलता है उसके अलावा वो नहीं चल सकता और इसी वजह से यहां पर प्ले कार्ड लेके आए थे तो इन लोगों को ये कहा गया कि भाई तुमने इसको ग्रोस मिसकंडक्ट किया है दिस इज नॉट अलाउड राइट सो इफ यू अब द रूल ऑफ हाउस बाय परसिस्टेंटली एंड विलफुली ऑब्स्ट्रक्टिंग द बिजनेस देयर ऑफ तो आपको हटाया जा सकता है रूल 374 ए क्या कहता है वही नियम 374 ए क्या कहता है केस ऑफ द्रोस वायलेशन और सीवियर चार्जेस समथिंग लाइक दैट कि भाई कोई मेंबर है किसी मेंबर पे माइक फेंक रहा है या जूता फेंक रहा है दिस इज और ये हुआ है ऐसा मत सोचिएगा सर ऐसा कौन करता है भारत की संसद ने ऐसे कई सारे केसेस देखे हैं जहां पर अः कैश लेकर एम को इसको खरीदने का काम हुआ है हमारे संसद में हुआ है यहाँ पर माइक उठा उठा कर फेंके गए हैं चेयर उठा के फेंके गए हैं नेताओं को गाली दी गई है ये बहुत बड़ी ये बड़ी ग, गलत आदत है जो हमारे देश के लोगों ने हमारे एम इस चीज़ को दिखाते हैं और पूरा विश्व हमारे भारत की राजनीति को देखता है क्योंकि वी आर दी वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो हमें इस मंदिर को भी वैसे ही सजा के रखना चाहिए राइट इसी वजह से एंड बीइंग नेम्ड बाय द स्पीकर द मेंबर स्टैंड्स ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड फॉर द रेस्ट ऑफ द सेशन केवल सेशन के लिए निकाला जाता है मैं फिर कह रहा हूँ आपकी कॉपी में साफ तौर पर लिखा होना चाहिए केवल और केवल सेशन के लिए निकाला जाता है न कि पूरे टेन्यर के लिए निकाला जाता है ठीक है ताकि उस सेशन के बाद वो थोड़ा ठंडा होएगा तो नेक्स्ट सेशन में जब वो आएगा तो और बेटर तरीके से काम करेगा इस केस में किया जाता है सेम राज्यसभा में भी अगर हम बात करें तो राज्यसभा की भी जो रूल बुक है तो राज्यसभा के रूल बुक में जो दो रूल काम करते हैं वो है रूल टू एंड रूल टू आपको ये नोट अगर आपने कर लिया हो रूल थ्री 374 एंड थ्री ए के तहत लोकसभा के मेंबर्स को सस्पेंड किया गया एंड रूल नंबर 255 एंड 256 के तहत राज्यसभा के मेंबर्स को सस्पेंड किया गया इसमें भी सेम चीज थी कि अगर मेंबर कंडक्ट इज इन हिज ओपिनियन ग्रोसली डिसऑर्डरली withdraw immediately from फ्रॉम house फॉर दैट सेशन साफ तौर पर लिखा गया है फॉर सेशन उस सत्र के लिए जैसे अभी शीतकालीन सत्र चल रहा है इसके बाद डायरेक्ट एक फरवरी से बजट सत्र आएगा तो बजट सत्र में आ सकते हैं लेकिन शीतकालीन सत्र के लिए उनको बाहर कर दिया गया है क्लियर सेम आर्टिकल 256 में भी सेम है डिसरिगार्ड्स दी अथॉरिटी ऑफ द चेयर और अब रूल्स ऑफ द काउंसिल तब भी आप ये कर सकते हैं कि चेयर पर्सन ये एम्पावर्ड हैं कि भाई आप उन्हें निकाल सकते हैं राइट right? अब इन सब चीजों से वट आर द बेनिफिट्स एंड वट आर द डिसडवाटेजेस जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को या इंडियन डेमोक्रेसी को झेलने पड़े सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है माई डियर स्टूडेंट कि अगर आप 140 MPs को सस्पेंड कर थिंक अबाउट इट इफ यू सस्पेंड 140 हंड्रेड देन और ये और सारे अपोजिशन के हैं कोई भी पक्ष का नहीं है तो जब भी कोई बिल पास होता है तब उस बिल में अपोजिशन की बहुत बड़ी भूमिका है बहुत बड़ी भूमिका है फॉर द कंस्ट्रक्टिव डिबेट एंड डिस्कशन और अगर 146 एमपी ज्यादातर तो राज्यसभा के हुए हैं कुछ लोकसभा के हुए हैं और अगर आप ऐसा करते हैं तब आप जो डिबेट एंड डिस्कशन उस बिल के ऊपर होना है उसको भी ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं और जो पक्ष है जो सत्ताधारी पार्टी है जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके लिए बिल पास करना बहुत इजी हो जाता है कारण बिकॉज सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करना है जिसका मतलब होता है फ़िफ्टी परसेंट ऑफ द मेम्बर्स प्रेजेंट इन वोटिंग इतने लोगों को निकाल दिया और उसके बाद बचे हुए कितने सौ डेढ़ सौ लोग होते हैं उसका फिफ्टी परसेंट प्लस वन मतलब सितर से ज़्यादा वोट या सितर अस्सी से वोट में आपका बिल पास हो जाएगा बीजेपी के पास इतनी सीटें लोकसभा में भी हैं और इतनी ही सीटें राज्यसभा में भी हैं तो ये चीज़ कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी के लिए गलत है तो लिक, अब लेकिन

अगर रूल में ये चीज नहीं लिख रखी है तो बात खत्म कोई दिक्कत नहीं है सो द मेन डिलेमा ऑफ द ऑफ दी सस्पेंशन अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये आप लोगों को क्या लगता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये जो हुआ ये सही हुआ कि गलत हुआ ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए लेकिन हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ जिसका नाम है चाइना बैन्स द एक्सपोर्ट ऑफ रेयर अर्थ टेक्नोलॉजीज एक बड़ा ही ड्रास्टिक मूव चाइना ने लिया है और रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को बंद कर दिया है क्या है यहां से दो चीजें दो क्वेश्चन निकल के आते हैं सबसे पहला तो रेयर अर्थ मेटल है क्या चीज वॉट इज रेयर अर्थ मेटल और दूसरी आती है रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी दोनों चीजें समझेंगे कि भाई रेयर अर्थ मेटल क्या है और रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी क्या है और चाइना ने रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट को मतलब टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया है रेयर अर्थ मेटल तो बेच रहा है लेकिन रेयर अर्थ टेक्नोलॉजी को नहीं बेच रहा है या उसको एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया इसका क्या कारण है ये देखते हैं सो इट इज इन द न्यूज रिसेंटली चाइना हैज़ बैंड द एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट एंड सेपरेट द रेयर अर्थ मेटल्स एज इट ओवर हॉल्ड द लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज डीम्ड की टू नेशनल सिक्योरिटी अब देखिए कभी भी अगर किसी भी कंट्री को अच्छी अच्छी चीज़ों का एक्सपोर्ट रोकना होता है तो वो नेशनल सिक्योरिटी का ही बहाना देते हैं लेकिन चाइना ने ये डिसीजन क्यों लिया वाई चाइना हैज़ बैंड रेयर अर्थ मिन मेटल एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी उसके पीछे का बहुत बड़ा कारण ये है कि आप इस चीज को समझिए कि चाइना वर्ल्ड के 90% परसेंट परसेंट रेयर अर्थ मेटल का प्रोडक्शन करता है अभी हम लोग इसको शॉर्ट में आर ई एम लिखेंगे सो so, इसका नाइन्टी परसेंट प्रोडक्शन इज डन बाय चाइना एंड रिसेंटली यूरोप एंड अमेरिका रिसेंटली यूरोप और अमेरिका ने इस बारे में कह दिया है कि भैया अगर आप लोगों को चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंस कम करनी है क्योंकि चाइना इसी के दम पर बहुत ज़्यादा आप लोगों को डराता है धमकाता है मैं बताऊंगा क्यों आर ई e. एम का यूज़ कहाँ होता है हमारे डे टू डे लाइफ में तो आप लोगों को पता चलेगा कि भाई चाइना डरा कैसे रहा है तो यूरोप और अमेरिका ने कहा है कि भाई हम भी रेयर अर्थ मेटल को हम लोग हमारे कॉन्टिनेंट्स में एक्सट्रैक्ट करेंगे तो चाइना से टेक्नोलॉजी को मंगवाया जा रहा था उनके देश में इंपोर्ट किया जा रहा था बट एज सुन एज चाइना गॉट टू नो कि चाइना को जैसे ही पता लगा कि ओहो ये तो हमारी जो टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसी ऐसी चीज़ है तो चाइना ने इमीडिएटली इस एक्सपोर्ट को बंद कर दिया ताकि उनके अलावा कोई और देश रेयर अर्थ मेटल्स को एक्सट्रैक्ट ना कर पाए और यूज़ ना कर पाए और चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट रहे राइट right? सो वॉट आर रेयर अर्थ मेटल्स इसको समझते हैं रेयर अर्थ मेटल्स आर द सेट ऑफ सेवनटीन मेटलिक एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है सेवनटीन ये आप लोगों की कॉपी में मौजूद होना चाहिए चाइना ने बैन किया नहीं किया ये हमारे क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे क्वेश्चन में पूछेंगे आप लोगों से यही सारी चीजें पहला एक तो नाइन्टी परसेंट प्रोडक्शन कौन करता है चाइना करता है कितने मेटल्स होते हैं रेयर अर्थ मेटल्स के अंदर दीज आर द सेवनटीन मेटल्स जो जिसमें से फिफ्टीन मेटल्स होते हैं और बाकी जो दो होते हैं वो होते हैं स्कैंडियम एंड इट्रियम ये तीन होते हैं जो मिलकर तीन कैटेगरी होती है आर ई एम के जिसमें से पंद्रह जो है वो केवल और केवल लेंथ के अंदर मौजूद हैं स्कैंडियम के अंदर एक मौजूद है और इट्रियम के अंदर एक मौजूद है राइट right, तो ये मेटल्स हैं जिसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और दे आर सिमिलर टू द लेंथेनाइट्स बट इनकी uh, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ uh, है ये इनको यूनिक बनाती है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए नाउ व्हाई दे आर कॉल्ड एज द रेयर अर्थ मेटल्स इट इज़ नॉट बिकॉज दे आर रेयर इन द अर्थ इट इज नॉट लाइक दैट दैट दे आर रेयर रेयर अर्थ मेटल्स आर कॉल्ड एज रेयर अर्थ मेटल बिकॉज दे आर डिफिकल्ट टू extract, उनका एक्सट्रैक्शन बहुत मुश्किल होता है इट सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी टू एक्सट्रैक्ट रेयर अर्थ मेटल्स इस वजह से इसको हम रेयर अर्थ मेटल्स कहते हैं और इसीलिए यूरोप और अमेरिका इस टेक्नोलॉजी को चाइना से मंगवाना चाहते हैं जिसको चाइना ने हाल ही में बैन किया है राइट अब इसका यूज कहां आता है इसको देखते हैं इस स्लाइड को आप लोग अपनी कॉपी में बहुत अच्छे से बनाइएगा कई न्यूमरस एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा ये गारंटीड है कि ये आने वाले यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई इसका यूज कहाँ कहाँ आता है सो वेयर आर द रेयर अर्थ मेटल्स यूज सबसे पहला इट्रीएम फाइंड अ यूज इन टेलीविजन इंडस्ट्री राइट कलर टेलीविजन बनाना है तो ईट्रियम का सबसे ज्यादा यूज है सीरियम इज यूज इन ऑटोमोबाइल्स राइट समैरियम विल बी यूज इन गाइडेड मिसाइल्स मतलब डिफेंस टेक्नोलॉजी में गैडोलिनियम विल बी यूज इन फ्लैश ड्राइव्स जो आप लोग हार्ड डिस्क पेन ड्राइव जो यूज करते हैं वहां पर इसका यूज आएगा नियोडीमियम विल बी यूज इन सेलफोन्स सी डी प्लेयर्स कंप्यूटर्स लाउड स्पीकर एंड हेडफोन्स ध्यान दीजिएगा नियोडीमियम जो है जिसकी वजह से आज आपका मोबाइल पतला 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 और अब तो मोबाइल फोल्डिंग वाला भी आने लग गया है इट इज बिकॉज ऑफ न्योडीमियम सो इट इज अ रेयर अर्थ मेटल जिसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई है अगर आप ये माइक भी देख रहे हैं सोचिए किसी जमाने में <coughs> सोचिए किसी जमाने में माइक इतना बड़ा हुआ करता था हमें साथ में लेके वो माइक लेना पड़ता था लेकिन आज इतने छोटे से माइक में सारा काम हो जा रहा है ऑल थैंक्स टू न्योडीमियम विच इज अ रेयर अर्थ मेटल नेक्स्ट प्रेसाडियोमियम विल बी यूज इन सिगरेट लाइटर्स <laughs> आप में से जो इसका कंजन करते हैं उनको आइडिया लगेगा नहीं नहीं पानी पीने गया था <laughs> याद करके सिगरेट पीने नहीं गया था <coughs> नहीं मेरे ख्याल खराश है इस वजह से है ना आप लोग भी कुछ भी सोचते हो यार क्या यार बच्चों ऐसा थोड़ा चलता है तो पैरासीडियमियम जो है वो सिगरेट लाइटर्स में यूज आता है स्कैंडियम विल बी यूज अगर उसे एल्यूमिनियम के साथ मिलाया जाए तो कहां यूज आता है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लाइक बेसबॉल बैट्स लेक्रॉस स्टिक्स बायसाइकिल फ्रेम्स में यूज होता है सोचिए बाईसाइकिल जैसी बेसिक सी चीज में रेयर अर्थ मेटल यूज हो रहा है मतलब आजकल के जो हम तो जो बाइक्स यूज करते हैं हम लोग जो बायसाइकिल <coughs> यूज करते हैं वो तो नॉर्मल सी है लेकिन अभी बाईसाइकल्स हल्की भी बनानी है क्योंकि वो कंपटीशन में भी भाग लेती है तो वहां पे भी इसका यूज आता है एंड लेंथेनम विल बी यूज्ड इन मेकिंग कैमरा लेंसेज एंड नाइट ग्लासेस और हाइब्रिड कार बैटरीज अगर आप ईवी की बात करें तो ईवी में भी इसका यूज आता है तो सोचिए कितना ज्यादा यूज है बच्चों केवल रेयर अर्थ मेटल का मतलब अगर मैं कहूं के सुई से लेके सैटेलाइट तक रेयर अर्थ मेटल का यूज जो है अगर मैं कहूं कि रेयर अर्थ मेटल का यूज़ सुई से लेकर सैटेलाइट तक है तो क्या मैं गलत कह रहा हूं क्या बिल्कुल नहीं सुई से लेकर सैटेलाइट तक सब में रेयर अर्थ मेटल यूज़ हो रहा है और इसके और अगर मैं एग्जांपल्स दूं, दूं तो बुलेट प्रूफ ग्लासेस में इसका काम होता है या अगर आप कोई शील्ड्स बनाते हैं तो उसमें काम होता है एयरोपेस सेक्टर में इसका काम होता है अगर आप लोग कोई रॉकेट बना रहे हैं तो उसमें काम आता है सैटेलाइट्स बना रहे हैं तो उसमें काम आता है तो रेयर अर्थ मेटल्स का यूज़ कई जगहों पर हमारे काम आता है बाय द ऑन द इवेंट्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी और नॉट ऑन द नेशनल सिक्योरिटी सो इसी वजह से ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है राइट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन दैट इज इलेक्ट्रॉनिक सॉइल जिसे ई e सॉइल भी कहा जाता है हाल ही में बड़ा चर्चा में रहा ये विषय जिसका नाम है ई e सॉइल क्या है ई e सॉइल या अगर इलेक्ट्रॉनिक सॉइल क्या है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्योंकि पहले भी ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई इको इको चारकोल क्या होता है या इको चार क्या होता है बायो चार क्या होता है ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पास में पूछे गए हैं सो so, आप आपसे ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि रिसेंटली ई सॉइल इज यूज इज सीन इन द न्यूज वॉट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ई सॉइल तो समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक सॉइल क्या है करंट वरण नहीं लगता है करंट के माध्यम से सॉइल में कुछ होता है वो समझिए क्या है राइट यूनिवर्सिटी ऑफ स्वीडन ने हाल ही में एक इलेक्ट्रॉनिक सॉइल डेवलप की है डेट कैन स्पीड ऑफ द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स इन हाइड्रोपोनिक सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोपोनिक जगहों पर जो हम खेती कर रहे हैं हाइड्रोपोनिक क्या होता है मैं समझ समझाता हूँ आपको थोड़ी देर में उसको समझिए ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में यूज नहीं हो रहा है हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर जो हो रहा है जो किसी बंद कमरे में बिना किसी सॉइल के होता है ये समझना बिना किसी सॉइल के होता उसको है उसको कहते हैं हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर जो कमरे में होता है जो किसी मिट्टी के बिना होता है उसे कहते हैं हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर तो हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर में इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक पल्सिस दी जाती हैं जिससे उनकी प्लांट ग्रोथ जो है वो ज्यादा तेजी से होती है राइट सो ई सॉइल क्या है इसको समझिए ई मृदा क्या है इसको समझिए ई सॉइल इज अ नोवल कंडक्टिव कल्टिवेशन सबस्ट्रेट टेलर्ड स्पेसिफिकली फॉर हाइड्रोपोनिक सिस्टम द सिग्निफिकेंस ऑफ ई सॉइल लाइज इन द एबिलिटी टू एनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट जिसमें यह बताया गया है कि बाड़ले के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट हुआ था तो बाड़ले की, की ग्रोथ में इंक्रीज देखी गई अगर आप ई सॉइल यूज करते हैं तो राइट right? अब ध्यान दीजिएगा मैं फिर कह रहा हूं इट इज नॉट फॉर ये जो ई e सॉइल है ये कोई ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लिए नहीं है इट इज ओनली फॉर हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स के लिए ही इसका यूज किया जाएगा क्या है हाइड्रोपोनिक सिस्टम इसको भी समझ लेते हैं हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ वॉटर बेस्ड न्यूट्रिंट रिच सोल्यूशन इन अ अस मीडियम बहुत ध्यान से समझना मैं फिर डेफिनेशन को रिपीट कर रहा हूं वॉट इज हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स इज अ मेथड ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स इन अ वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट रिच सॉल्यूशन इन अ अस मीडियम इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है इनकी रूट्स तो रूट्स को जितना ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच रखेंगे उतना ही ज्यादा प्लांट की ग्रोथ होगी क्योंकि सॉइल रूट्स सॉइल का काम क्या है रूट्स को एनरिच करना राइट right? तो हाइड्रोपोनिक्स में यही चीज की जाती है कि जो रूट्स है उसको Uh, पानी में रखा जाता है उसको सॉल्यूशन में रखा जाता है और उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिक पल्सिस छोड़ी जाती है जिससे उसका क्या होगा डेवलपमेंट बहुत जल्दी होगा ध्यान दीजिएगा इट डज नॉट यूज सॉइल इंस्टेड द रूट सिस्टम इज सपोर्टेड यूजिंग एन इनर्ट मीडियम लाइक परलाइट रॉकवुड क्ले पेलट पीट मॉस एंड वर्मिक्यूलाइट को यहां पर यूज किया जाता है हिंदी में अगर आप देखें तो इसमें मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता इसके बजाय जल प्रणाली को प्लाइट रॉकवुड मिट्टी के छर्रो पीट काई या के निष्क्रिय माध्यम का उपयोग करके समर्थित किया जाता है एनरिच किया जाता है जिससे रूट्स की वजह से और ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिले राइट ध्यान दीजिएगा द फंडामेंटल टू अलाउ प्लांट रूट टू कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद्यूट्रंट सोल्यूशन ऑक्सीजन विच इज असेंशियल फॉर द्रोथ ऑक्सीजन तो मिलेगी ही बट रूट्स जो होती हैं रूट्स को न्यूट्रेंट डायरेक्टली प्रोवाइड किया जाए जिससे जो ग्रोथ है वो की जा सके और अब अब अगर इसमें ई e सॉइल का यूज करते हैं तो ग्रोथ 50 परसेंट तक देखी गई है ये हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है राइट right? चलिए आगे बढ़ते हैं ऑफ आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज इरिडिसेंट क्लाउड्स हाल ही में हमारे, हमने यू, आ, यूरोप के नॉर्दर्न यूरोप में हमने कुछ बड़े खास प्रकार के बादल का शेप हम लोगों ने देखा है पहाड़ों के ऊपर बड़ा ब्यूटीफुल डिजाइन दिख रहा है जो लोग इसमें जो लोग इसमें समझते हैं या जो लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के वो हैं वो कहेंगे यूएफओ वगैरह है पर नहीं भाई ये कोई यूएफओ वगैरह नहीं है इट इज अ इट इज अ वेरी 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 नेचुरल फिनोमिन बट अ रेयर फिनोमिन बट इसका नाम दिया गया है इरीडिसेंट क्लाउड क्या है ये iridescent clouds? इसको समझते हैं आगे वाली क्लास में आगे वाले स्लाइड में रेयर इेंट क्लाउड विच आर ऑल्सो नोन एज नेक्रियस क्लाउड क्या नाम दिया गया है ध्यान दीजिएगा या तो इरीडिसेंट क्लाउड इन्हें बोला जाएगा या नेक्रियस क्लाउड्स बोला जाएगा हाल ही में स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के ऊपर देखे गए हैं और यह बड़ा ही रेयर फिनोमिना है जो यूके में देखने को मिलता है राइट चूंकि मोती का शेप लेता है तो इसे मदर ऑफ पर्ल्स क्लाउड के नाम से भी जाना जाता है मैं आगे वाली स्लाइड में इसे दिखाऊंगा पर यह आपकी कॉपी में मेंशन होना चाहिए इसे मदर ऑफ पर्ल्स के नाम से भी कहा जाता है कि इन्हें मोतियों की माँ या मोतियों के जनक के रूप में देखा गया है कि इतने अच्छे क्लाउड्स इतने सुंदर क्लाउड्स होते हैं कि ऐसा लगता है कि मोती ये इतना बड़ा मोती जो आसमान में चमक रहा है है ना दिस क्लाउड रिजेंबलिंग द मदर ऑफ द पर्ल आर नोन फॉर देयर पेस्टल लाइट रिफ्लेक्शन वापस अब देखिए ये पढ़ने के बाद दिस इज द्लाउड जो यहां पर बन रहे हैं देखिए कितना ब्यूटिफुल क्लाउड कितना बड़ा क्लाउड यहाँ पे बन रहा है ध्यान दीजिएगा कि इन्हीं क्लाउड्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्यूमोलोनिबस क्लाउड्स है ना या निम्बस क्लाउड्स स्ट्रेटस क्लाउड्स ये सारी भी आपसे पूछे जा सकते हैं क्यूमोल क्लाउड्स निम्बोस्ट्रेटस क्लाउड्स निम्बस क्लाउड्स ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं विथ विथ द इंक्लूजन ऑफ इरीडिसेंट क्लाउड राइट चलिए आगे बढ़ते हैं वे इरीडिसेंट क्लाउड्स जो है इसका मेन प्रिंसिपल किसपे होता है अबाउट द डिफ्रेक्शन अगर हिंदी में बात करें तो विवर्तन के माध्यम से हमें इंद्र धनुषी बादल दिखते हैं राइट ये नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये कॉपी में नोट करते रहिए कि भाई डिफ्रेक्शन के माध्यम से हमें ये क्लाउड्स ऐसे दिखते हैं राइट आपसे पूछा जा सकता है कि भाई डिफ्रेक्शन है डिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है एटमोस्फेरिक प्रेशर है मैग्नेटिक फील्ड ठीक है चलिए आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा इसको आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं अंगोला लीव्स ओपैक राइट हाल ही में अंगोला जो है एक कंट्री है विच इज़ सिचुएटेड इन दी वेस्ट अफ्रीका अभी हाल ही में हम लोग अफ्रीका के ऊपर पिछली क्लास में भी अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा होगा तब तब भी हमने देखा था कि पिछले में भी अफ्रीका की कंट्रीज़ के बारे में हम लोग देख रहे थे जहां पर फिर से एक मिलिट्री कूप का अटेम्प्ट किया गया था लेकिन वो फेल हो गया था और वापस इसी हफ्ते एक और न्यूज़ आई है कि अंगोला जो एक कंट्री है वेस्ट एशिया की दिस इज़ दी अंगोला दिस इज दंगोला कंट्री अगर आप लोग देख पाएंगे तो यहां पर दिस इज अंगोला राइट तो इस कंट्री ने अभी हाल ही में ओपैक छोड़ दिया है वट इज ओपैक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम इकोनॉमीज ऑफ कंट ऑफ द दर्पोरेशन जो है उसको छोड़ दिया है राइट right? क्यों छोड़ा है क्या कारण है उसके पीछे जब इनसे पूछा गया कि वाई अंगोला हैज लेफ्ट दिस ओपैक तो उन्होंने कहा कि भाई सऊदी का इसमें डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है और ये सारे ये सारे ओपैक जितने भी हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो हैं तो ये बहुत ज़्यादा गलत इनका रवैया है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो है ये इनका बड़ा गलत रवैया है और सऊदी अरेबिया इसको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है जो बिल्कुल गलत बात है तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो है ओपैक जो है उसमें से अंगोला निकल गया है यह ऐसा पहली बार नहीं किया है किसी ने इससे पहले तीन और कंट्री इसको छोड़ चुकी है क्या है ये इसको मामला समझिए ओपैक क्या है ये हमारे लिए काम का है ओपैक इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ क्रिएटेड इन 1960 सिक्सटी बाय बगदाद कॉन्फ्रेंस जो ईरान में है राइट इराक में है बगदाद उसमें यह हुआ है तो जिसके जो मेंबर्स थे वो कौन कौन से मेंबर्स थे ईरान इराक कुवैत सऊदी अरेबिया वेनेजुएला ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है राइट और बाद में इन्हीं को आ, एक सब कंट्री में जहाँ पे ऑयल मिलता है इन्होंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई ओपेक करके और दुनिया में जहाँ पर भी ऑयल बेचना है करना है ये सारा काम ये लोग करते हैं राइट इसका हेड क्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर है वियना ऑस्ट्रिया राइट वियना ऑस्ट्रिया में इसका हेडक्वाटर uh, है और दुनिया के 80 परसेंट क्रूड ऑयल रिजर्व्स ओपेक के पास हैं मतलब आप सोचिए कि दुनिया में कितनी मोनोपोली यहाँ पर मौजूद होगी कि भाई टोटल क्रूड ऑयल जितना भी है दुनिया का 80 परसेंट वो यहाँ पर इन्हीं के पास मौजूद है तो अगर हमें कुछ भी ऑयल चाहिए तो हमें पहले इन्हीं के साथ अपनी सामंजस्य होना पड़ेगा अब ओपेक में कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसको समझिए देर आर टू ऑर्गेनाइजेशन एक है ओपेक और एक है ओपेक प्लस ठीक है ओपैक और ओपैक प्लस में फर्क यह है कि भाई ओपैक जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो है ओपैक वो अपने क्या किस प्राइस पे क्रूड ऑयल बेचना है किस कंट्री को बेचना है वो सब उनका एक नेक्सेस है ओपैक प्लस के पास ये कोई रूल नहीं है ओपैक प्लस रूल्स एंड रेगुलेशन पर अबाइड करेगा बट अपनी प्राइस पर ऑयल बेच सकता है अगर उसको लगता है कि मुझे बेचना चाहिए तो राइट इस वजह से ओपैक प्लस के अंदर भी कुछ मेंबर्स हैं जहां पर तेल मिलता है अब ओपैक में कौन कौन सी कंट्रीज हैं ये ध्यान दीजिएगा अगर आपको रेड कलर के यहाँ पे दिख रहे हैं मैप में तो ओपैक में रेड कलर के जो मैप जो कंट्रीज हैं ये ओपैक के अंदर मौजूद हैं टोटल हाल ही में अंगोला इसमें से चला गया है तो अंगोला का नाम यहाँ पे काट लीजिए बाकी सारी कंट्रीज टोटल इफ आई एम नॉट रॉन्ग बारह कंट्रीज यहां पर मौजूद है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व यस सात करोड़ सो टोटल ट्वेल्व कंट्रीज आर प्रेजेंट इन दैक राइट अंगोला को अगर हटा दें तो इससे पहले थर्टीन थी अब बारह कंट्रीज इसके अंदर मौजूद हैं ओपैक प्लस के अंदर टोटल वापस इतनी ही कंट्रीज मौजूद हैं टेन कंट्रीज ओपैक प्लस के अंदर मौजूद हैं, अजरबैजान, बहरेन ब्रूनई कुवैत, राइट मलेशिया आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा मलेशिया मेक्सिको, ओमान रशिया साउथ सूडान एंड सूडान मैं यहां पे लिख देता हूं मलेशिया का नाम अगर आपको यहां दिख नहीं रहा है तो यहां पे मैं लिख लेता हूं ताकि आप लोगों को दिखने में ईजी रहे मलेशिया और एक नाम और है कजाकिस्तान राइट right? ये दो नाम यहां पर बच्चों इसके ये तीन ये पांच और ये दो तो टोटल दस ओपैक प्लस कंट्रीज हैं अगर आप मैप में देखेंगे ध्यान दीजिएगा इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन दूसरा यूरोप में अगर आप लोग ये देखेंगे ओपेक का कोई भी मेंबर नॉर्थ अमेरिका में से ओपेक का कोई मेंबर नहीं है ये ध्यान दीजिएगा ओपेक प्लस का जरूर है ओपेक प्लस का मेक्सिको है लेकिन ओपेक का मेंबर नहीं है और साउथ अमेरिका से केवल एक कंट्री है दैट इज वेनेजुएला राइट right. सो so, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है ठीक है यूरोप के भी कुछ कुछ मेंबर्स प्लस का हिस्सा हैं लेकिन आ, रशिया और ये अगर आप ये देखें तो ये सब एशिया के पार्ट में आ जाते हैं तो यूरोप का भी कोई मेंबर ओपैक का तो हिस्सा नहीं है ओपैक प्लस का है तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई ऑल द सम ऑल द कंट्रीज सम कंट्रीज ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स आर द पार्ट ऑफ सो दैट स्टेटमेंट इज फॉल्स क्या कुछ कंट्रीज ओपैक की uh, सभी uh, अगर हम बात करें महाद्वीपों की तो क्या सभी महाद्वीपों का इसमें रिप्रेजेंटेशन है प्रतिनिधित्व है जी नहीं ऐसा नहीं है ओपैक के अंदर राइट सो दैट इज द स्टेटमेंट डेट यू शुड नो राइट जो हम लोग अभी आइसलैंड के बारे में बात कर रहे थे फर्स्ट लाइट में आइसलैंड का अगर वर्ल्ड मैप में देखें सो दिस इज द प्लेसमेंट ठीक है आगे अगर बात करें द नेक्स्ट न्यूज एंड द लास्ट न्यूज ऑफ आवर डिस्कशन इज दैट न्यू डिजाइन ऑफ एडमिरल्स एपोलैट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट न्यूज हालांकि इस न्यूज़ का हम लोगों को आभास बहुत पहले ही लग चुका था जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंसड दैट हम गुलामी की कोई भी निशानी अब हमारे भारत में नहीं रहने देंगे और इसीलिए वो ऐसे कई सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं जा, ज, ज, जा, जा पर ब्रिटिशर्स uh, का uh, जो भी पुरानी चीज़ें थी उसको बदलना जैसे राजमार्ग का नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया गया न्यू पार्लियामेंट हाउस बना दिया गया जो विदे अंग्रेज़ों ने बनाया था तो अब हम कह रहे हैं भाई हम हमारी संसद में आ गए हैं और उसी का एक और स्टेप यहाँ पे आया है जहाँ पर हमारे जो नेवी ऑफिसर्स हैं उसमें जो एडमिरल्स होते हैं उनका जो एपोलट्स होता है जो हम लोग उनके शोल्डर्स पे लगता है उसमें क्या चेंजेस किए हैं उसमें ये डिजाइन अभी आ गई है इन डिजाइन को यहाँ पे यूज किया है क्या है इस का महत्व क्या है इसको समझिए न्यूज में क्या है वो समझिए न्यू एपोलेट्स फॉर द एडमिरल्स इंस्पायर्ड बाय द नेवल एंड सेगना ऑफ द छत्रपति शिवाजी राज मुद्रा मैंने हर क्लास में पहले भी क्लास में जब कुछ ऐसी चीजें हुई है तब तो मैंने आपको बताया है कि इंडियन नेवी में कई सारी चीजें जो है वो छत्रपति शिवाजी जिन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहा जाता है चोल्स को भी हालांकि ये दर्जा दिया गया है लेकिन फादर ऑफ इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज को कहा गया है तो उन्हीं के आधार पर अब इसमें भी चेंजेस किए गए हैं और एडमिरल्स को नए अपोलेट्स देने का प्रावधान किया गया है क्या है ये नए अपोलेट्स इसको समझिए दीज इस आर द न्यू अपोलेट्स जो मिले हैं यहां पर आपका नेवल इन है ये ऑक्टागनल शेप में आप लोगों की राजमुद्रा है यहां पे दिस इज दिस इज मैं आगे चलकर दिखाऊंगा आप लोगों को दीज आर द फ्लावर्स राइट एंड दीज आर द अदर कैटेगरीज ठीक है जैसे ये जो है ये आप लोगों का एडमिरल जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है ये एडमिरल का आपका अपोलेट्स है ये आपका एडमिरल का अपोलेट्स है और इसी वजह से ठीक है चलिए मैंने थोड़ा सा छोटा करके देख लिया है ताकि आप लोगों को इसको बेटर दिखे राइट तो अगर आप देखेंगे तो लेट मी राइट इट डाउन बेटर राइट सी दिस इज दी न्यू एपोलाइट फॉर द एडमिरल अगर आप एडमिरल के लिए देखेंगे तो बड़ा है ब्लैक कलर की बाउंड्री है और ये चार फूल उसमें मौजूद है राइट वाइस एडमिरल का अगर आप देखेंगे तो वाइस एडमिरल के अंदर जो एडमिरल से नीचे वाली पोस्ट है वाइस एडमिरल वाइस एडमिरल के तीन फूल हैं सेम टेलीस्कोप और स्वॉर्ड है इनसिग्ना है और ऊपर हमारा एक चिन्ह है और सार्जेंट वाइस एडमिरल जो थर्ड नंबर की पोस्ट आती है उसमें तीन फूल हैं रेड कलर का इसमें बाउंड्री होगी ये ब्लैक है ये रेड है और यही सेम तीन चीजें होगी उससे चौथे नंबर की जो पोस्ट आती है वो है रियर एडमिरल तो रियर एडमिरल जो है उसमें दो फूल हैं ये चेंज है ब्लैक कलर का एपोलेट है आउटलाइन है और उनसे नीचे सार्जेंट रियल एडमिरल जो है उसके रेड कलर की एपोलेट है राइट अब ये चीजें क्यों की गई इसको समझिए राइट राइटी कोड करते हैं ये इमेज हम लोगों को इंटरनेट से प्राप्त हुई है कि ये पुरानी वाली जो है वो कुछ ऐसी दिखती थी अगर आप देखेंगे तो पुरानी वाली कुछ ऐसी दिखती थी फूल ऐसे थे और ये अभी ऐसे हुई है ज्यादा कोई इसमें बदलाव नहीं है लेकिन फिर भी हमने हमारी चीजों को देख कर इसमें चेंज किया है कि भाई हम पुराने गुलामी वाली चीजें क्यों रखें हम लोग हमारा लेके आएंगे तो पांच चीजें इसमें से देखने वाली हैं क्या चीजें हैं इसको समझिए ये पांच चीजें क्या डिफाइन करती है सबसे पहला है गोल्डन बटन तो गोल्डन नेवी बटन ऑन द एपोलेट्स नो लॉन्गर फीचर द फाउल एंकर विच इज दॉटिकल ड्रोप द विदोनियल एरा एंड इंट्रोड्यूस्ड अ क्लियर एंकर पहले एक गलत एंकर जो था गंदा एंकर जो था यहां पे मौजूद था लेकिन अब प्रॉपर एक एंकर यहां पर आप लोगों को दिखेगा यहां गोल्डन बटन पे। दिस इज द शिवाजी सील ये ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं नेवी द क्राउन इंस्पायर्ड रेड बैकग्राउंड जो इसके पीछे था और हमने इसके ऊपर हमारा रिप्लेज विदागनल डिराइव फ्रॉम द शिवाजी सील नोन एज राज मुद्रा राइट देन थर्ड इज इंडियन स्वॉर्ड द जेनरिक स्वॉर्ड द स्ट्रेट डबल एजेट स्वॉर्ड एट द इंडियन ओरिजिन टू द खांड यूज बाय द राजपूत वॉरियर्स अगर आप देख पाएंगे तो पहले ऐसी कुछ तलवार हम लोग दिखाते थे लेकिन अब हम क्लियर एक स्वॉर्ड यहां पर दिखा रहे हैं राइट नेक्स्ट टेलीस्कोप पहले टेलीस्कोप की जगह देयर वॉज अ बैटन ये अगर आप देखेंगे सो इट वॉज अ बैटन लेकिन अब हम क्या यूज कर रहे हैं अब हम लोग यूज कर रहे हैं टेलीस्कोप टेलीस्कोप क्या दिखाता है द सिंबल ऑफ अथॉरिटी द बैटन वॉज द सिंबल ऑफ अथॉरिटी राइट जो बैटन था सिंबल ऑफ अथॉरिटी के भाई हम मालिक हैं नो no, बट टेलीस्कोप क्या दिखा रहा है सिंबोलाइजिंग लॉन्ग टर्म विजन एंड फोर साइटेड ने आप दूरबीन से दूर तक देख सकते हैं तो दूरबीन आपको क्या दिखा रही है कि भाई आपको लॉन्ग टर्म विजन रखना है इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी एस्थेटिक्स अगर आप पहले देखेंगे तो इट वॉज अ थ्री डी जोमेट्री लेकिन अब थोड़ा सा एस्थेटिक्स को बेटर करते हुए अपोलेट्स दिए गए हैं दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब इंडियन आर्मी में अपोलेट्स को लेके चेंज हुआ है इससे पहले इंडियन आर्मी में इंडियन नेवल आर्मी में फ्लैग भी चेंज हुआ है और ये बड़ी महत्वपूर्ण घटना थी कई लोग हैरान थे कि यार ऐसा कैसे हुआ या किसको नजर क्यों नहीं आया टिल 2022 थाउजेंड एंड ट्वेंटी टू द इंडियन ऑफिशियल इंडियन नेवल फ्लैग ऑफिशियल नेवी फ्लैग वॉज दिस एंड पोस्ट टू थाउजेंड टू दिस इज करंट करंट अब आपको लगेगा कि सर क्या गलत क्या था चेंज क्यों किया सर क्या गलत हो गया क्या चेंज कर दिया इसमें या प्लस ही तो था इसमें क्या गलत हो गया गलत ये प्लस ही था ये प्लस जो है ये प्लस सूचकांक है जॉर्ज फिफ्थ का ये ब्रिटेन के किंग थे तो जॉर्ज फिफ्थ का ये निशान था ऑफिशियल ये हमारे आप सोचिए आज़ादी के सत्तर साल बाद 2022 कह रहा हूँ मैं 1950 भी नहीं कह रहा हूँ 1960 भी नहीं 1970 भी नहीं 2022 तक मतलब पिछले साल तक ही या इस साल के शुरुआत में ही हम लोगों ने इस झंडे को बदला है और ये कहा है कि भैया ये जॉर्ज फिफ्थ का साइन क्यों है इंडियन नेवी के लोगों ने कहा जो तो आइडिया नहीं है तो चला आ रहा है अंग्रेजों के जमाने से तो अंग्रेजों के जमानों के झेलर होते हैं झंडे नहीं चलेंगे तो अंग्रेजों के जमाने के झंडे हटाओ और ये प्लस हटाया गया कि जॉर्ज फिफ्थ का नाम हमारे देश में क्या कर रहा है आजादी के सत्तर साल बाद यही तो गुलामी की मानसिकता है तो इस प्लस को हटाया गया और इसकी जगह लगाया गया यही जो छत्रपति शिवाजी महाराज का Royal Insignal, जो है राज मुद्रा जिसे कहते हैं उसको लगाया गया एंड दिस इज दर ऑफ इंडियन नेवी और लोगो है और इनका मोटो है शमनो वरुणम ये इसमें लगाया गया राइट और ऐसा केवल एक बार नहीं हुआ है इससे पहले जॉर्ज फिफ्थ से रिलेटेड एक और बहुत बड़ी घटना चेंज हुई है अगर आप लोग दिल्ली वगैरह घूमने गए हैं तो दिल्ली में जहाँ पे आप लोगों का इंडिया गेट बना हुआ है इंडिया गेट के ठीक पीछे एक बहुत अच्छा वो बना रखा है जगह बना रखी है वहां पर जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति थी वो भी कब तक 2023 तक जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति थी वहां पर और जॉर्ज फिफ्थ की मूर्ति बैठी रहती थी कि भाई मैं अंग्रेज तो चले गए लेकिन मैं यहीं बैठा हूं तो उस मूर्ति को हटाकर हाल ही में मौजूदा सरकार ने वहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है तो ये सारी चीजें हैं जो हमें हमारे सिस्टम से निकालनी होगी राइट right. सो so, इसी के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पर ख़त्म कर रहे हैं बच्चों थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन टुडेज लेक्चर आप लोगों के लिए नया साल बहुत बहुत शुभकामनाओं से भरा हो आप लोग सब अपने अपने एग्जाम्स में सफलता प्राप्त करें अनुष्का एकेडमी आपको नए साल की बहुत शुभकामनाएं देता है और आने वाले साल के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते हुए हर टास्क जीत जाएं इसकी कामना करता है थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे थैंक यू सो मच